चिकन 65। कहा जाता है कि चिकन 65 सबसे पहले बुआरी होटल जो कि चेन्नई में स्थित है वहाँ पर बना। लोग ये भी बोलते हैं कि चिकन 65 के पीछे 65 मसाले डलते हैं। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सबसे पहले 1965 में ये बना, इसी वजह से इसका नाम चिकन 65 है। कुछ भी बोले लेकिन चिकन 65 की रेसिपी, चिकन 65 बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और साथ दीपक कुकिंग फटाफट में आप सबका स्वागत करता हूँ। चिकन 65 बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन बोनलेस। आप इसे थाई भी ले सकते हैं और ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन पीसेस थोड़े छोटे हो। आपने देखा कैसे छोटे पीसेस लिए हमने, ऐसे पीसेस आपको लेने हैं। और सबसे पहले आप इसमें थोड़े से डालेंगे दही, दो दही लगभग 2 टेबल स्पून आप डालिए। ज़्यादा दही डालने से क्या होगा कि बाद में थोड़ा वाटरी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी दही डालिए। और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट लगभग 1 टीस्पून आप इसमें डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, मिर्च थोड़ी लाल वाली हो ताकि इसमें चिकन में कलर आए, क्योंकि अभी और चीज़ नहीं डालेंगे हम इसमें। रेड चिली पेस्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगभग 1 टेबल स्पून और फाइनली सॉल्ट। पहले हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता चॉप करके थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर लेते हैं और थोड़ी देर हम इसको रखेंगे। और उसके बाद में थोड़ा इसके अंदर हम कड़ी पत्ता डालने के बाद हम इसमें थोड़ा राइस फ्लोर डालेंगे। ये हमने अपने नॉर्मल चावल को ही पीसा है ताकि इसको अगर हम डालेंगे तो अगर हमने जो दही इसमें अच्छा डाली है अगर थोड़ा सा वाटी हो जाएगा तो ये इसको सोक कर लेगा और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये नॉर्मल तरीके से बनेगा। चिकन को आधा घंटा मैरिनेशन रखने के बाद अब हम इन पीसेस को फ्राई करेंगे। चिकन 65 को टेम्परिंग करना चालू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालते हैं, लगभग 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा तेल को गर्म होने दीजिए, फिर डालिए थोड़ा सा जीरा, जीरे को थोड़ा सा रोस्ट में देते हैं। रोस्ट हो चुका है, आप इसमें डालिए कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और थोड़ी लाल मिर्च साबुत। चिकन 65 के लिए इतनी टैंपरिंग काफ़ी होती है, चेन्नई में इतने टैंपरिंग करते हैं, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं कि हर लोग हर तरीके से बनाते हैं, हर शेफ अपने तरीके से बना रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और लुक देते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर केचप डालते हैं ताकि हमारा चिकन 65 थोड़ा सा हटके और अच्छा बने। वाटर डाल दें ताकि हमारा चिकन 65 में हल्की सी थोड़ी नमी बनी जाए। थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। टेम्परिंग भी तैयार है, हम इसमें अपने चिकन के पीसेस डालेंगे। दोस्तों चेन्नई में इसको ऐसे ही बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। हर गली में हर जगह ये हर स्टॉल पे इसको दिखता है, हर बंदा इसको अपने तरीके से बना रहा है। थोड़ा मैजिक मसाला भी लोग इसे यूज़ करते हैं। आप तो इसी सिंपल तरीके से इसे घर में बना सकते हैं, क्योंकि जो भी इंग्रीडियंट हमने इसमें यूज़ करें तो बिल्कुल आपको अपने घर में मिल जाएंगे। आपको इसमें कहीं भी बाहर की जरूरत नहीं है, कहीं पत्ता इजली अवेलेबल है। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है।
चिकन 65 बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं आराम से। आप इसे ऐसे सर्व कीजिए, प्यारी सी गार्निश कीजिए। इसमें ऊपर से धनिया या कोई और चीज़ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही इसमें काफ़ी कुछ होता है और अपना भी इसमें सुंदर लगता है। स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड की तरह ही इसे आप सर्व करें। आज की रेसिपी को फॉलो करें, चिकन 65 को घर में बनाएं, फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई।